ब्रेक के बाद दीपावली के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दीपावली का मौका और बाजारों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाजारों की रौनक के बिना दीपावली का त्योहार कहीं ना कहीं फीका लगता है। बाजारों में इस बार खास रौनक देखने को मिली है। नगर में लगे पटाखों की लाइटों की दुकान और मिठाइयों की दुकान भी खास है। इस बार दीपावली के मौके को बनाने के लिए बाजार पूरी तरीके से तैयार है। बाजार दीपावली पर्व के चलते सजावटी आइटमों से गुलजार हैं। फिर चाहे घर को सजाने की चीजें हो या फिर दुकानों को, आइए देखते हैं मेरे साथ इस पर एक खास रिपोर्ट। बाजारों की रौनक की बात की जाए तो दिवाली के मौके पर बाजारों में एक अलग तरह की रौनक देखी जाती है। हर कोई इस त्योहार के रंगों में सराबोर हो जाता है। बाजारों में तरह तरह की लाइटें, तरह तरह की चाइनीज लाइटें भी बिक रही हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रंगीन बल्बों की चाइनीज झालरों से लेकर प्लास्टिक के फूल तक बाजारों में उपलब्ध हैं। ओम और वास्तविक के चिन्ह के साथ झिलमिलाते रंगीन छोटे बल्ब, लगी तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक वेव इस बार लोगों को खास आकर्षित कर रही हैं। दीपावली पर लोग भवनों मंदिरों में सजावट पर खास ध्यान दे रहे हैं। चाइनीज छोटी लाइटों से दूर तक एक सुंदर तस्वीर बन जाती है जो काफी अच्छी लगती है। कुछ दुकानदारों ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी दुकानों में ऐसी लाइटें लगा रखी हैं। बाजारों में भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां भी मिल रही हैं। साथ ही आपको बाजारों में रेडीमेड रंगोली भी मिलेगी। मुस्कुराते हुए दीप जलाना, खुशियों को तुम गले लगाना। दीपावली का त्योहार एक ऐसा त्योहार जिस दिन पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो पूरा हिंदुस्तान दुल्हन की तरह सजता है। हर कोई अपने आप को बाहर ले जाता है और चाहता है कि वो अपने घरों में खुशियाँ लेकर आए। तो आज इस दीपावली के मौके पर बाजारों में काफ़ी ज़्यादा रौनक है और हम पहुँच गए हैं खान मार्केट। खान मार्केट के कृतिक रेशन में हम पहुँचे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि दीपावली के इस खास मौके पर यहाँ क्या कुछ तैयारियाँ हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ अंदर आएँ। तो खान मार्केट के कृतिक रेशन में इस वक्त हम खड़े हैं और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कुछ नया इस बार मार्केट में आया है। तो दिवाली का मौका हर कोई चाहता है कि अपने घरों से बाहर निकले और खूब सारी शॉपिंग करे। खूब सारी शॉपिंग के साथ साथ नई नई चीज़ें मार्केट में जो आई हुई हैं वो लोग लेने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से मार्केट सज गई है। कृतिक रेशन में हम लोग खड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी दियो को, किस तरीके से मार्केट में दिए आ गए हैं। पहले क्या था कि मार्केट में दीपक आते थे जिनको तेल से जलाया जाता था, लेकिन आज बाजार में आप देख सकते हैं किस तरीके से नए नए दिए बाजार में है। आप देख सकते हैं इन दियों को, कितनी खूबसूरत चाइनीज दिए ये हैं। तो इन दियों को आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं इधर भी आपकी नज़र डालना चाहूँगी। इन्हें भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और छोटे दिए हैं। अब दियों की बात हो गई है तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि दिवाली के इस खास मौके पर शॉपिंग के लिए पूरी तरीके से दुकानें भी तैयार हो गई हैं। तो आप देखिए मूर्तियाँ, ये भगवान की मूर्तियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये माता लक्ष्मी की मूर्ति और साथ ही साथ गणेश महाराज की मूर्ति। आप जानते हैं दिवाली का मौका है, गणेश और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में इन्हें स्थापित करते हैं और पूरे विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। तो बाजार में ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी आ गई हैं और मैं दिखाना चाहूँगी आपको लक्ष्मी माँ की ये मूर्ति। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है।
जिन्हें सजाया है, खुद ही इन्हें बनाया जाता है। साथ ही साथ इतनी खूबसूरत ये मूर्ति है कि लोग इन्हें अपने घर ले जाना चाहेंगे और चाहेंगे कि इन्हें स्थापित करके इनकी पूजा की जाए। तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं क्योंकि दिवाली का मौका है। और आप मेरे साथ दुकान पे ये भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और साथ ही साथ सभी अपने घरों से आ गए हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको और अंदर ले जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ भी मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप देखें किस तरीके से गिफ्ट्स भी दिवाली के मौके पर हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये गिफ्ट्स वो अपने रिलेटिव्स को दें साथ ही साथ उनको खुश करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिवाली एक ऐसा मौका है जब मिठाइयों के साथ साथ गिफ्ट्स भी लेकर जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं। चलिए पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैम, क्या कुछ तैयारियाँ इस बार आपकी हैं? तैयारी चल रही, सब सामान खरीदने सजाने का सब सामान। हाँ, तो इस वक्त घर पे आपने क्या कुछ तैयारियाँ की हैं? घर पे भी पूरा खड़ा सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है। तो पब्लिक भी पूरी तरीके से तैयार है दिवाली बनाने के लिए। और साथ ही साथ मार्केट भी हमने आपको दिखा दी कितनी सजी हुई है, यानी दुल्हन की तरह। जैसे हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान पूरा दुल्हन की तरह दिवाली के मौके पर सजता है, तो जगमगाते दीपों का ये त्यौहार, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लोगों के मन में हैं। हर कोई दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है अपने घर को सजाने के लिए। तो खान मार्केट की क्रिटिकेशन में हम आपको लेके खड़े हैं और जैसा कि हम बता रहे थे कि खान मार्केट की क्रिटिकेशन जो है वो इतनी सजी हुई है दुल्हन की तरह, तो सोचिए ज़रा पूरा हिंदुस्तान अगर हम घूमते हैं तो हिंदुस्तान में इस वक्त दिवाली की कितनी रौनक होगी। तो क्रिटिकेशन में हम इस वक्त आए हुए हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने अपनी शॉप पर क्या कुछ इस बार तैयारियाँ की हैं, क्या कुछ वो नया लेकर आ रही हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ नया इस बार वो कर रही हैं। तो मैडम, इस बार क्या कुछ नया है आपके यहाँ पर? दिवाली के मौके पर कृति क्रिएशन में जब आप आते हैं तो कुछ ऐसी उम्मीद से आते हैं कि आपको नया कुछ मिलेगा। तो जैसे दिवाली मौका है लक्ष्मी गणेश की पूजा का, तो लक्ष्मी गणेश में आपको सुसज्जित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो वस्त्र पहने हुए हैं, श्रृंगार किए हुए पूरी तरह से, और इसमें हर छोटे से बड़े साइजेस तक आपको डिफरेंट इसमें देखने को मिलेगा। रेडीमेड रंगोलीज मिलेंगी, बंधनवारों की काफ़ी वैरायटी होगी। दीपोत्सव दिवाली एक ऐसा उत्सव है जब हर व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी का स्वागत करे और आकर्षक चीज़ें उपलब्ध हैं उसके लिए। रंगोली है, ऑर्गेनिक रंगोली है, राइस रंगोली है, पाउडर रंगोली है। बच्चे बहुत उत्साह से रंगोली बनाना चाहते हैं, उसके लिए खास स्टेंसर्स हैं जो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, प्रदूषण ना फैले, इसके लिए खास तौर पर कृति क्रिएशन ने कृति टी लाइट का इंतजाम करा है जो बहुत रीजनेबल रेटों में उपलब्ध है। 225 रुपये की 50 कैंडल है जो 4.5 घंटे जलती है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाती। ये मोस्ट इकोनॉमिकल फ्लोटिंग कैंडल भी है। लक्ष्मी की जब बात आती है तो सुगंध का यूज़ होता है, कहते हैं कमल वासिनी लक्ष्मी, तो कमल का तेल का इस्तेमाल करें दियों में, जो लक्ष्मी को आकर्षित करने में और स्थिर लक्ष्मी में मदद करता है। कृति क्रिएशन एक स्पेशल लक्ष्मी पोटली बनाता है जो स्पेशल दिवाली के टाइम पे नक्षत्रों को स्टडी करके बनाया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि जो इस बार लक्ष्मी का प्रवेश है स्वाति नक्षत्र में है और लक्ष्मी त्रिकोण में है, तो ज्ञान भी अपने साथ ला रही है, इसलिए सरस्वती का चित्र है, स्वास्थ्य है उसके लिए अर्जुन की छाल है, और लक्ष्मी के लिए स्पेशल लक्ष्मी हल्दी और धनिया ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। ऐसा एक छोटा पोटली है जिसे लक्ष्मी पोटली बोला जाता है, आप दोनों हाथों में लेके अंजलि से लक्ष्मी के आगे अर्पण कर सकते हैं। आप ये लाइटें मेरे साथ देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लाइटें हैं। सोचिए ये इस वक्त जल नहीं रही हैं, जब ये जलेंगी तो ये और कितनी खूबसूरत लगेंगी। तो मैं चाहूँगी कि इन लाइटों को एक बार आप देखिए, कितनी खूबसूरत लाइटें हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी एक बार और आपको दिखाना कि आप इन्हें भी देख सकते हैं, यानी गिफ्ट के तौर पर भी पब्लिक इन्हें लेकर जाती है ताकि वो अपने रिलेटिव्स को ये गिफ्ट कर सके। आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक दीपक भी है इसमें जिसे रात को जलाया जाता है दिवाली के मौके पर। और भी बहुत कुछ खास इनके यहाँ पर है, बहुत कुछ खास हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ भी मैं आपको लेकर चलती हूँ। कहते हैं कि इन्हें अपने गेट के बाहर, यानी दिवाली के मौके पर इन्हें गेट के बाहर रखा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इन्हें बाहर की तरफ लटकाया जाता है ताकि घर पर किसी तरीके की कोई बलाए ना आ सके। और भी बहुत कुछ है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर भगवान जी की पोशाकें भी हैं। तो ये किशन जी को पहनाया जाता है, कहते हैं कि किशन जी ने पहनकर
काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं आपको पूजा की थाली भी दिखाना चाहूंगी अपने साथ। मैं चाहूंगी कि आप एक बार पूजा की थाली भी मेरे साथ देखिए, कितनी खूबसूरत थाली है। इस पर पूजा की जाती है, कलश भी इसके साथ दिया हुआ है, एक छोटा सा कलश दिया है और धूप बत्ती का स्टैंड भी इसमें दिया हुआ है, दीपक भी है जलाने के लिए। तो ये खूबसूरत सी थाली भी यहाँ पर है जिससे लोग पूजा पाठ करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सजावट का सामान भी यहाँ पर है। तो बहुत कुछ खास इस बार दीपावली पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज हमने आपको खान मार्केट के कृति केशन का दौरा कराया और दिखाया कि दिवाली की क्या कुछ तैयारियाँ इस बार हैं। तो चलिए कैमरामैन आदिल के साथ कंचन बैनर्जी, चैनल बन न्यूज। अब चलते हैं मिठाइयों की दुकानों पर। मिठाइयों की भी इस दिन भरमार होती है, हर तरह की मिठाई आपको इस दिन दुकानों में मिलेगी। फिर चाहे चमचम हो या बंगाली रसगुल्ला या फिर काजू कतली, इस दिन मिठाइयों की भी बड़ी डिमांड होती है। हर किसी को अपनी मन पसंद मिठाई जो खानी होती है, इसलिए हर कोई अपने घर हर तरह की मिठाई लेकर आता है और हलवाइयों की दुकान पर भी इस दिन मिठाइयों की तादाद होती है। दिवाली का मौका हो और इस मौके पर मिठाइयों की बात ना हो तो कुछ फीका फीका जरूर नजर आता है, क्योंकि दिवाली के मौके पर मिठाइयों का सबसे ज्यादा क्रेज होता है। तो हम आज पहुंच गए हैं अग्रवाल स्वीट पर और यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे टेस्टी और सबसे यमी मिठाइयाँ, क्योंकि दिवाली के मौके पर फिर चाहे चमचम की बात हो या बंगाली रसगुल्ले की बात हो या फिर ड्राई फ्रूट्स की क्यों ना बात हो, तो हम अग्रवाल स्वीट पर हैं जहाँ मिठाइयों की आपको भरमार मिलेगी। एक से एक बढ़िया मिठाई आपको यहाँ मिलेगी। मैं चाहूँगी आपको दिखाना कि दिवाली के मौके पर मिठाइयों की जो खरीद होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लोग मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, आपस में मिठाइयाँ एक दूसरे को बांटते हैं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा मौका है जब सभी रिलेटिव एक दूसरे को मिठाई देते हैं। चलिए अब रुक करते हैं पटाखों की दुकानों का। बच्चों के लिए दीपावली का ये त्योहार इसलिए खास होता है क्योंकि इस दिन उन्हें ढेर सारे पटाखे जो फोड़ने होते हैं। बाजारों में भी पटाखों की बहुत दुकानें सस्ती हैं। आपको बाजार में हर तरह के पटाखे मिलेंगे और अब तो बाजारों में आपको राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के नाम के पटाखे भी बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। दीपावली पर मुख्य रूप से फुलझड़ी, अनार, चक्री, लड़ी, रॉकेट, आइटम बॉम्ब की खूब बिक्री हो रही है। बाजारों में भीड़ बढ़ने से भी दुकानदारों के चेहरे पर खुशी आ गई है। लोग पूजा के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करे भी क्यों ना, दीपावली है ही एक ऐसा त्योहार। दिवाली आई, खुशियां लाई, बिछड़ा था जिनके साथ बचपन में, फुलझड़ियां उनकी याद लाई। क्या हुआ अगर साथ नहीं आज उनके, उनकी याद लिए ये दिवाली आई। दीपावली का दिन यूं तो बहुत कुछ बयां करता है। इस दिन के लिए हर कोई पहले से तैयारियां शुरू कर देता है। हर किसी के मन में इस दिन को लेकर ढेर सारी तैयारियां भी रहती हैं। हमारी सभी से विनती है, आप भी अपनी दिवाली को ढेर सारी खुशियों के साथ बनाएं और अपनों को करीब लाएं। हैप्पी दिवाली। Thank you.